हेलो एवरीवन, आज मैं तुम लोग को प्री बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। तो इस सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। पहले निकालते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। तो ये आ गया इंग्लिश लैंग्वेज का। तो यहाँ पे जो है तुम लोगों को पता होगा 20 मार्क्स का कॉम्पोजिशन रहेगा। तो देख लो टॉपिक वगैरह, तुम लोग कर सकते हो प्रैक्टिस। और एक और बात, ये जो है ना क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का छाप दिया था, पिछले साल का, तो हम लोग को मजा आ गया पूरा। 10 मार्क्स का यहाँ पे लेटर है, दो एक फॉर्मल इनफॉर्मल इसमें भी लिख दो। उसके बाद नोटिस और ईमेल है। उसके बाद ये पैसेज है, पैसेज को पहले से पढ़ लेना। अगर बाय चांस आ गया ना प्रीवियस ईयर का, तुम लोग रिग्रेट करोगे कि पढ़ा क्यों नहीं ये पैसेज। तो इसको पढ़ के पहले समझ लेना, आंसर से फ्रेम कर लेना पहले ही एग्जाम के। यहाँ पे देख लो ऐसे, और ये वर्ड मीनिंग तीन को मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह, और लास्ट में समरी करने बोलेगा 8 मार्क्स का। और ये भाई, ये तो पूरा आसान है। एग्जाम के पहले मैं सुधीर सर का देख के चल गया था, TS सुधीर सर, पूरा सही आंसर लिख दिया। ये देखो, अब निकालते हैं सेकंड सब्जेक्ट का। सेकंड है ये इंग्लिश लिटरेचर। ये तो यहाँ पे सेक्शन ए है, जिसमें कि वर्ड मीनिंग वगैरह है 16 मार्क्स का। ये जो ओरिजिनल बनाया है स्कूल वालों ने, क्योंकि क्वार्टरली हाफ ईयरली में छाप चुके थे स्पेसिमेन और प्रीवियस ईयर से। ये देखो, और जहाँ तक मुझे लगता है स्कूल वाले तो खुद नहीं बनाते होंगे, वो लोग ज़रूर क्वेश्चन बैंक का यूज़ करते हैं। बस जो क्वेश्चन होता है ना उसको थोड़ा मतलब अलग कर देते हैं। असल में क्वेश्चन का मीनिंग वही रहता है जो क्वेश्चन बैंक में है, बस उसको थोड़ा अलग तरीका से लिख देते हैं कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो। इसको रखते हैं और निकालते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब आ गया हिंदी। हिंदी आ गया, ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए 40 मार्क्स का है, और ये देखो कॉम्पोजिशन 15 मार्क्स का, 250 वर्ड्स में। मैंने लिखा था इस पे, कहाँ गया ये, स्वच्छता अभियान, हाँ ये वाला, इस पे लिखा था मैंने। क्वेश्चन टू में ये रजिस्ट्री, ये वाला लिखा था, लेटर लिखना है ना, हाँ पोस्ट मास्टर को लिखा था। और पोस्ट मास्टर जो है लेट से लेटर पहुँचाया, तो उसी को कंप्लेन करना था। और ये क्वेश्चन 3 देख लो, कॉम्पोजिशन एक पैसेज बहुत छोटा सा है, उसके बाद आंसर देना है बस, कोई कंक्लूजन नहीं रहता हिंदी में, बस दो दो मार्क्स का क्वेश्चन 5 को। उसके बाद ये क्वेश्चन 4, ये तुम लोग को व्याकरण बुक जो है हमारा उसके लास्ट में मिल जाएगा, जो MCQ वगैरह रहता है उसी से चुन के डाला जाता है। और सेक्शन B 40 मार्क्स का है पूरा, मतलब एक एक क्वेश्चन कितना का होगा देख लो पहले, ये 2 मार्क्स का इधर और 2 3 3, मतलब 10 मार्क्स का है एक पैसेज। इधर जो है 3 को दिया गया है, ये कौन सा भाग है, ये गद्य भाग है। गद्य भाग में 3 को दिया गया है पैसेज, और पद्य भाग में भी 3 को दिया गया है। इसमें से हम लोग और दिखाता हूँ पहले, ये देखो सभी में से एक एक गो करना ही है, और एक एक्स्ट्रा करना है, मतलब टोटल 4 गो। ये तो अब ये है हिस्ट्री। हिस्ट्री में देख लो पहले MCQ आएगा 16 मार्क्स का, आसान आसान अगर पढ़ा हुआ हो तो चैप्टर। एक बार तुम लोग टोटल हिस्ट्री का MCQ भी पढ़ लेना। अगर नहीं ये न्यू बुक तो तुम लोग वेबसाइट पे जाके नॉलेज बोर्ड से पढ़ सकते हो। कुछ कुछ आंसर तो गलत होगा, पर तब भी ज़्यादातर सही होता है, 90% पढ़ लेना, कुछ तो मार्क्स मिल जाएगा ना। और ये देखो हिस्ट्री में बस नोट्स पढ़ने का चीज़ है, जो टीचर्स नोट्स देते हैं स्कूल में उसको पढ़ा करो। अगर टीचर नहीं देते तो तरुण सर का ले लो, बस पॉइंट्स याद रखना होता है हम लोग को, समझाना थोड़ी ये पैराग्राफ लिख के। एक पॉइंट लिखोगे तो तुमको एक नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 2 है, तो यहाँ पे तुम लोग को मतलब शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा 1 वर्ड की तरह, एक लाइन या 2 लाइन का भी हो सकता है। देखो 2 ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछ रहे ना। और सेक्शन पार्ट 2, ओके पार्ट 2 का ये सेक्शन है। सेक्शन A में सिविक्स रहेगा। सिविक्स में तुम लोग जो है मतलब फंक्शंस वगैरह याद कर लो, जितना भी अलग अलग प्रकार का फंक्शन है ना, ये यूनियन पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा का, उस सब का जितना फंक्शन है याद कर लो, और प्रेसिडेंट का भी, बस फंक्शन वगैरह पूछता है, पावर्स वगैरह। और फिर यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट है ना, हाँ इसमें रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन एपीलेट ये सब, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये सब आता ही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबको याद कर लेना। क्वेश्चन 5 है, उसके बाद क्वेश्चन B। और भाई ये मेरा फेवरेट चैप्टर, इससे कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले मुझे फुल मार्क्स आता है।
ये देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फर्स्ट चैप्टर मैंडेटरी है, बिल्कुल करना, वो जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है वो वाला, और जितना नेशनल मूवमेंट था ना वो वाला, जैसे नेशनलिज्म फर्स्ट और सेकंड फेज, उसके बाद जो था एजेटिव, मतलब जितना नेशनलिज्म का है मुस्लिम लीग तक याद कर लेना बढ़िया से। उसके बाद मास फेज अलग से बना दिया गया है, ये देखो। उसके बाद वर्ल्ड वार का, ट्रीट ऑफ वर्सेलिस, यूनाइटेड नेशन भी मैंडेटरी है, इसको भी याद करना, तुम लोग को तुरंत मार्क्स दिला देगा। ये है ज्योग्राफी, मैप वर्क बता दिया है। अच्छा, ये टोपोग्राफी है पार्ट वन, ये भी स्पेसिमेन से ही छापा है, फेयरली में भी छापा था इसका जो वो है ना टोपोग्राफी, तुम लोग को स्पेसिमेन के साथ मिल जाएगा वेबसाइट पे, स्पेसिमेन के नीचे में सर्वे मैप। अब क्वेश्चन टू हम लोग को मैप में करना है, मैप भी दे दिया गया था, ये मैप तो स्टिच था क्वेश्चन पेपर के साथ, इसीलिए बोला गया इसमें मत करना, अलग से दिया गया। तो लोग इस मैप पे प्रैक्टिस करना, वो नॉर्मल मैप पे मत करना जो कि वेबसाइट पे मतलब गूगल पे मिलता है, इस पे प्रैक्टिस करना, क्योंकि यही वाला आएगा, क्योंकि उस पे प्रैक्टिस कर लिए तो इसमें कन्फ्यूज़ हो जाएगा, इसलिए इसी वाले में प्रैक्टिस करना अच्छे से। बहुत लोगों ने दिया हुआ है यूट्यूब पे इस मैप का कैसे मार्क करना है, तो देख लेना, शायद मौली नाम का भी चैनल है, मौली या कुछ तो था एम्स, ठीक है देख लेना एक बार। क्वेश्चन थ्री है ये MCQ, ये भी थोड़ा थोड़ा स्पेसिमेन से ही छापा है, तुम लोग आंसर भी दे सकते हो कमेंट में, कुछ लोग का हेल्प हो जाएगा। अभी उतना टाइम तो है नहीं कि आंसर दे दे, क्योंकि अभी पढ़ना है, क्योंकि सेकंड प्री बोर्ड आ रहा है, सेकंड प्री बोर्ड का भी तुम लोग को दे देंगे क्वेश्चन पेपर एग्जाम जब खत्म हो जाएगा। और तुम लोग को मेन डिटेल ये है कि तुम लोग स्पेसिमेन और PBSER अच्छे से सॉल्व किया करो, उसी में से बहुत क्वेश्चन छाप देता है, हल्के में मत लेना। जब आ जाएगा ना स्पेसिमेन और PBSER तब तुम लोग बहुत रिग्रेट करोगे, इसीलिए पहले पढ़ लेना। और फिजिक्स साइंस का जो पेपर और मैथ का, ये दोनों को हल्के में मत लेना, स्पेसिमेन पढ़ लेना पहले अच्छे से, ये साइंस का पेपर का, ठीक है। ये देखो इसमें पूरा मतलब बहुत क्वेश्चन दिया गया था ज्योग्राफी में, ये वाला मतलब चूज़ करने का अच्छा खासा मिल गया हम लोग को, एडवांटेजेस वगैरह जो नया नया सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का, और ये डंपिंग वगैरह, वेस्ट जनरेशन तो आसान चैप्टर है, ये सब कर लेना। एग्रीकल्चर थोड़ा मुश्किल है, बहुत लोग इसको नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए, आसानी चैप्टर है, ठीक है इसको रखते हैं। आ जाता है यहाँ पे हमारा मैथ्स, मैथ्स में देख लो 15 मार्क्स का MCQ देगा पहले, सन विल राइज फ्रॉम टुमारो, इट विल रेन मंडे, ये गलत है, और सबका पॉसिबिलिटी वन है। आसान आसानी क्वेश्चन था, मतलब स्पेसिमेन से ही डाल दिया था कुछ ये सब, और ये तो मज़ा आ गया, ये जब छापा मज़ा आ गया, ये मतलब स्पेसिमेन से ही था या प्रीवियस ईयर से, तो आंसर तुरंत दे दिया मैंने, ठीक है 5 मार्क्स तुरंत मिल गया। फिर टेबल है, रेट ऑफ GST तो आसान ही होता है, ये थोड़ा तुम लोग देख लेना, ये वाला जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, मीडियन वाला चैप्टर, लोअर क्वार्टाइल क्या होता है, क्योंकि ये सब चैप्टर जो है तुरंत मार्क्स दिला देगा। ये देखो ये लीनियर इक्वेशन, मतलब सारा चैप्टर का मिला दिया था, एक ऐसा नहीं छोड़ देता है क्वेश्चन कि उसमें एक ही चैप्टर का क्वेश्चन दे, मिला देता है ये लोग, इसलिए बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था, मतलब एक क्वेश्चन से एक आता था, दूसरे क्वेश्चन से एक आता था, करें किसको अटेम्प्ट। ये देख लो, देख लिया। अब आता है हमारा फेवरेट फिजिक्स, ये देखो आसान आसान MCQ, ये देखो एजर्सन रीजन का भी देगा तुम लोग को क्वेश्चन, ठीक है लगा लेना थोड़ा, इसके लिए टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कंसेप्ट। जैसे एक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है दूसरे एग्ज़ाम पे लग जाना है, ये कॉपर के तरफ झुकेगा क्योंकि उसका ज़्यादा न्यूटन है। ये तुम लोग एम्पलीफाई लर्निंग पे देख सकते हो, या तो तुम लोग नॉलेज बोर्ड पे देख लेना, नॉलेज बोर्ड पे सारे स्पेसिमेन का आंसर दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल अपेरेंट डेप्थ, ये देखो तुम लोग छोड़ भी सकते हो ये वाला, लेकिन इसमें साउंड का बच जाएगा ना, जो आता है वो भी छोड़ना पड़ता है, यही दिक्कत है, मिला दिया चैप्टर को, इसलिए सारा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ये देखो हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट एकदम आसान है, ये देखो ये भी एम्पलीफायर लर्निंग ने बताया था। यार तुम लोग नॉलेज बोर्ड भी देख लेना, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने बोलेगा। ओके तो यहाँ पे केमिस्ट्री आ चुका है, ये देखो इसमें 15 मार्क्स का MCQ रहेगा, ये मैंने 1-1 कर रखा है बिकॉज ये सब सही जा रहा था मेरा, ये इसमें 10 नंबर नहीं, पूरा ये क्वेश्चन टू में 10 नंबर, बस इलेक्ट्रोलाइसिस तक पढ़ा था मैंने, उसके बाद छोड़ दिया, बोला जो होगा देखा जाएगा। 100% सिलेबस से अच्छा है 50% ही करो, लेकिन अच्छा से करो, 100% कर लेंगे, अभी 10 दिन का छुट्टी मिला है ना दिसंबर में। हाँ ये गलत वलत है देखना मत, तुम लोग अपना आंसर करना अपने से, ये मत देखना, पता नहीं गलत है कि सही है। ओके
और हाँ, मोल कंसेप्ट मस्त चैप्टर है, उसका न्यूमेरिकल्स तुम लोग लगाना, मस्त चैप्टर है जो बोलो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स करने में मज़ा आएगा, हार्ड पहले लगेगा, पहले कंसेप्ट समझ लेना। तुम लोग तरुण सर का देख सकते हो, और फिजिक्स वाला ने जो ये किया था मैराथन, मेरा चैनल पे भी है उसका लिंक, मतलब मैंने भी अटेंड किया था, देख लेना एक बार। उसका केमिस्ट्री का जाके मोल कंसेप्ट अच्छा से समझाया। यहाँ पे आ गया हम लोग का बायोलॉजी, ठीक है, 15 मार्क्स का। हेपेटिक के बारे में एक बार पढ़ लेना क्या होता है। हेपेटिक पोर्टल वेन, वो लीवर में जाता है, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल वेन लीवर में जाके ब्लड को साफ करता है। थोड़ा रिसर्च कर लेना हेपेटिक के बारे में, पोर्टल वेन दे देता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट। और फुल फॉर्म भी याद कर लेना ये सब का, पॉपुलेशन डेंसिटी। हाँ ये भी मस्त चैप्टर है, आसान चैप्टर है, पढ़ लेना एक बार, बस रीडिंग देना है, कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है। फोटोसिंथेसिस वगैरह तो आसानी है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आएगा, देख लेना बढ़िया से। फंक्शन वगैरह पूछ देगा, ये क्या करता है, वो क्या करता है। हाँ रिप्रोडक्टिव, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेरा तो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तुम लोग अगर कॉमर्स है तो सॉरी नहीं मिल पाया। मतलब कंप्यूटर का तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा, जो लोग 9 से पढ़ रहे हैं उन लोग का तो बल्ले बल्ले है। मेरे भी 9 में बहुत बढ़िया नोट्स बनाया था, उसके बाद से मेरा सारा एग्ज़ाम मस्त गया। बस एक बार कंसेप्ट तुम लोग को पता चल जाए ना कंप्यूटर का, उसके बाद पूरा चीज़ आसान हो जाता है। मतलब ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि तुमको हर बार पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम के एक दिन एक दो दिन पहले भी पढ़ लो, मस्त जाएगा एकदम। फिजिकल एजुकेशन है ना, उससे थोड़ा सा हार्ड है। मैंने तो नहीं पढ़ा फिजिकल एजुकेशन, बट सुना है कि बहुत आसान बोलते हैं उसको। ये भी आसान है, ठीक है, दिमाग लगाओगे तो सब आसान होगा। एक बार इसमें घुसो तो पहले बुक तो खोलो, एक बार बुक खोलो, लिखते जाओ, जो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है लिखते जाओ, अपने आप आते जाएगा। तुम लोग को थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। ये देखो प्रोग्राम सब दिया गया था, उतना भी हार्ड नहीं, आसान ही है, बस कंसेप्ट देखना पड़ता है, रिसर्च करना इस पर अलग अलग क्वेश्चन के बारे में। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर तुम लोग चैनल पर नहीं थे तो सब्सक्राइब करना, यहाँ पर यही सब कंटेंट आते जाता है पढ़ाई लिखाई का, ठीक है। और तुम लोग अगर गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा गेमिंग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसका नाम है आनंद प्लेस, ठीक है। और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो प्लेस टेक सब्सक्राइब कर लेना, और व्लॉग्स में इंटरेस्ट है तो आनंद प्लेस व्लॉग्स। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।